सभी को मेरा नमस्कार और बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। आज हम द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 में भाग लेने के लिए सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम जा रहे हैं, जहां इस सम्मेलन हेतु एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। तो चलिए मेरे साथ इस समारोह में भाग लेने के लिए। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अपनी भाषा हमारी भाषा, भारत की भाषा हिंदी मेरी माँ समान है, जिसने मुझे बोलना सिखाया, अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान की, भावनाओं को पंख प्रदान किए, वह है मेरी हिंदी। मैं उतना ही प्रेम स्नेह और आदर करता हूँ अपनी हिंदी भाषा से, जितना कि मैं अपनी माँ से करता हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब हिंदी प्रेमी, हिंदी योद्धा यहाँ एकत्र हुए हैं, राजभाषा हिंदी का मान बढ़ाने को, उसे सम्मान दिलाने को, जिसकी वह असली हकदार है। भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत में पहचान बनाती है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कार की सच्ची वाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। हिंदी जितनी सरल, सहज और सुगम भाषा है, उतनी ही वैज्ञानिक भाषा भी है, जिसे दुनिया भर में बोला और समझा जाता है। लेकिन विडंबना है कि मुझे मेरे ही घर में हिंदी को उसका सम्मान दिलाने का प्रयास करना पड़ रहा है। मनुष्य के जीवन में कितने ही नए रिश्ते बन जाएं, किंतु माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। इसी प्रकार कितनी ही भाषाएं हमारे जीवन को छू जाएं, लेकिन हिंदी का स्थान कोई नहीं ले सकता। आओ हम सब मिलकर प्रण लें कि केवल 14 सितंबर को अपनी माँ का जन्मदिन नहीं मनाएंगे, केवल एक दिन नहीं मनाएंगे, बल्कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रोज अपनी माँ का जन्मदिन मनाएंगे, उसे वह लौटाएंगे जो उसने हमें दिया है, हमारे जीवन का आधार। यदि हर एक भारतीय थोड़ा थोड़ा प्रयास करे, तो मेरी माँ हिंदी को उसका सम्मान, उसकी अस्मिता, उसकी वास्तविक स्वरूप, उसका मूल आभा प्रदान किया जा सकता है। आओ संकल्प लें कि जीवन के हर स्तर पर, जीवन के हर क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग के प्रति अग्रसर रहेंगे, उसे आगे बढ़ाते रहेंगे, उसका सम्मान उसे दिलाते रहेंगे। जय हिंदी, जय भारत। हिंदी में बात करने से हमें अब नहीं शर्माना होगा, क्योंकि जब हम हिंदी को माँ बोलते हैं तो हिंदी हमारा गर्व है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है। और हमें अब हिंदी बोलने से नहीं कतराना, अब हमें गर्व से बोलना है, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सता हमारा। हम कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा। तो हिंदुस्तान के वासी है हम, जहाँ हमें हिंदी बोलने पर गर्व होना चाहिए। और मुझे इस बात को देखकर बहुत खुशी होती है कि आज यहाँ पर इतनी संख्या में लोग उपस्थित हैं, जो ये मानते हैं कि हिंदी हमारी माँ है। और आज के दिन को हमें मनाना है, हर दिन को मनाना है, क्योंकि हिंदी के प्रसार और प्रचार में हमें अब से जुट जाना है, सिर्फ हिंदी को अपनाना है। सम्मोहन के दायरे से बाहर निकलकर ऊंची करतल ध्वनि से मंच के साथ जुड़िए। आप राम घनश्याम कर गए अद्भुत युग युग लीला, जहां बांसुरी बजी ज्ञान की, जागा स्वर्ण सवेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। आप इस पंक्ति में मेरे साथ जुड़िए, बहुत आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। भारत माता की आनंद नहीं आया मित्रों, सूरत का रास्ता ढीला पड़ गया। भारत माता की बहुत सुंदर। वंदे वंदे, जहां विवेकानंद सरी के हुए तत्व के ज्ञानी, राम तीर्थ के अधरों पर थी जिसकी अमर कहानी, जिसके कण कण में लेता है सूरज नित्य बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। विद्य सिद्ध विद्यावल भैरव जिससे जीवन पाते, जिसकी पावन गौरव गाथा
का सभी भारतीय गाते, जिसके आंचल में जीवन है नव सुषमा का डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अच्छा लगेगा यदि इस पंक्ति को आप भी दोहराएंगे, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां उदय होकर नित सूरज दिन में करे उजाला, जहां रात को चंदा मामा भरे अमृत का प्याला, जहां उषा नित स्वर्ण बिखेरे रात उठाए मोती, जहां फूलों से तारों की नित सभा गगन में होती, जहां बसंत आदि छह ऋतु में करे वर्ष भर फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जिसकी माटी सोना उगले, मेरे देश की माटी सोना उगलती है खेतों में, मेरा किसान मेहनत करता है खेतों में, मेरा किसान अन्न उत्पन्न करता है खेतों में, और हमारे कहाँ पर सभी है। लेकिन इन सबसे पहले हम केवल भारतवासी हैं, हमें आपस में प्रेम करना पुरखों ने है, हमें देश हित जीना मरना शहीदों ने बतलाया है, हम उनके बतलाए पर चलने के अभ्यासी हैं, हम पंजाबी, हम गुजराती, बंगाली, मद्रासी हैं। वातावरण हुआ है चंदन, प्राण प्राण महक उठे हैं, रोम रोम करता वंदन, चहक उठा फिर स्मृतियों में उन्मादित रागों का वंदन, नैनों का नैनों से वंदन, वंदन शत वंदन अभिनंदन। भारत माता की। माननीय गृह मंत्री महोदय को ये बता दीजिए कि हिंदी वालों में कितनी जोश होती है, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे। हिंदी दिवस समारोह 2022 और द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के सम्माननीय मुख्य अतिथि श्रद्धेय श्रीमान अमित शाह जी, केंद्र सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का पावन सानिध्य हमें प्राप्त। सभी सम्माननीय जनों से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया पवित्र दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुभारंभ करने की कृपा करें। साथ ही सूर्यपुर संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों से अनुरोध कि वे मंत्रोच्चारण के लिए तैयार रहें। सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल,
राजभाषा का काम मेरे साथ लिखने वाले गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, निशित प्रमाणिक जी, सूरत की ही सांसद जो आज हम सब की मेजबानी कर रही है, और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जंडोस जी, हमारे शिक्षा राज्य मंत्री, इस संकल्प लेने का और संकल्प की सिद्धि करने का समय है। हम सब ने, पूरे देशवासियों ने संकल्प लेने की जरूरत है कि 25 साल के अंदर हमारा देश कोई भाषा की प्रभुता ग्रंथि से मुक्त होकर हमारी स्वभाषाओं में देश का विकास करेगा और देश को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर। हमारी राजभाषा हमारी स्थानीय भाषा है। अधिकारी अंतरिक्ष विभाग पुरस्कार प्राप्त करेंगे श्री नीलेश देसाई निदेशक। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कॉप क्षेत्र हिल इंडिया लिमिटेड और पुरस्कार प्राप्त करेंगे डॉक्टर शिवा प्रसाद मोहंती अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। कर्तव्य ध्वनि गुंजायमान होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कॉप क्षेत्र भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड और पुरस्कार प्राप्त करेंगे एम संत्री नाथन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गौ क्षेत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम पुरस्कार प्राप्त करेंगे श्री अतुल भट्ट अध्यक्ष। इस समारोह के सभी प्रतिभागियों के लिए भोजन की व्यवस्था, और जितना दिखने में भोजन सुंदर है उतना ही खाने में बहुत स्वादिष्ट था। इतने बड़े स्तर पर भोजन की व्यवस्था करना 7 से 10 हज़ार लोगों के लिए बहुत कठिन काम है, पर प्रशासन ने और बहुत बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सफल आयोजन रहा। इस भव्य और विशाल तथा अत्यंत उद्देश्यपरक समारोह के आयोजन के लिए मैं अपने मित्रों के साथ गुजरात सरकार, सूरत प्रशासन और राजभाषा विभाग तथा इस आयोजन को सफल बनाने में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देश प्रेमी को शत शत नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।